प्रधानमंत्री मोदी कोई भी बात यूं ही नहीं कह देते, चाहे वो हास परिहास कर रहे हों या गंभीर बात। यूपी के चुनाव में बीजेपी को पीएम मोदी के कामकाज पर ही जीतने की आस है। पार्टी ने सीएम पद का कोई चेहरा भी घोषित नहीं किया, बल्कि मोदी जी के काम पर ही वोट मांगने का निर्देश दिया गया। लेकिन जब प्रधानमंत्री ही किसी और पूर्व मुख्यमंत्री को आदर्श के तौर पर पेश कर रहे हो तो हैरानी होना लाजमी है। जब कल्याण सिंह को सेवा करने का मौका मिला, राजनाथ सिंह जी को सेवा करने का मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को सेवा करने का अवसर मिला, ये सारे गुंडागर्दी करने वाले लोग या तो जेल में थे या सीधी लाइन पर चलने के लिए मजबूर हो गए थे। यूपी को प्रधानमंत्री से उम्मीद है कि वो अपने कामकाज और अपनी साख का हवाला देकर प्रदेश में सुशासन का भरोसा और वादा करेंगे। लेकिन पीएम मोदी का खुद कल्याण सिंह के शासन को सही ठहराना तो कतई गले नहीं उतरता। लेकिन पीएम मोदी ने पंजाब के चुनावों में भी यही रणनीति अपनाई। भाइयों बहनों, बादल साहब की तपस्या ऐसी है, बादल साहब का समर्पण ऐसा है कि फिर एक बार पंजाब बादल साहब को मुख्यमंत्री देखना चाहता है। ऐसे में जाहिर है कि यूपी चुनाव में कल्याण सिंह के नाम का इस्तेमाल पिछड़ों और राम भक्त वोटों को एकजुट करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन प्रदेश की जनता कल्याण सिंह के शासन को सुशासन नहीं मानती। सब जानते हैं कि जिस बनारस से मोदी लोकसभा पहुंचे हैं, उसी बनारस की गलियां उसी दौरान सांप्रदायिक हिंसा और खून खराबे की गवाह बनी थी। प्रदेश भर में सांप्रदायिक सौहार्द और कौमी भाईचारे की जगह दहशत का माहौल बन गया था। माफिया के खिलाफ कार्रवाई से मशहूर कल्याण सिंह के दूसरे कार्यकाल में माफिया ही मंत्री बना दिए गए। कल्याण सिंह का पुत्र मोह भी किसी से छिपा नहीं। राजवीर के लिए कल्याण सिंह ने बीजेपी तक छोड़ दी। बिहार चुनाव के दौरान मोदी जोरदार तरीके से अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते थे। उन मोदी को पंजाब में प्रकाश सिंह बादल की छवि या यूपी में कल्याण सिंह के नाम का वोट क्यों मांगना पड़ रहा है? चुनाव में पार्टी की हालत देखकर प्रदेश के नेता मोदी नाम जपने में जुटे हैं तो मोदी को कल्याण सिंह का सहारा लेना पड़ रहा है। सवाल ये है कि क्या इससे बीजेपी का प्रदेश में कल्याण हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।